अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू पे। और आज हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमने जैसा कि वादा किया था कि हम बे के साथ हरूफ हर हरूफ किस तरह मिला के पढ़े जाते हैं ये सीखेंगे। इससे गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि अलिफ के साथ जब किसी हर्फ को मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे पढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम बे के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नाजरीन दिख रहा होगा कि जैसे ही बे के साथ हमने मिलाया किसी हर्फ को तो उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। तो इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह बा के साथ किसी हर्फ को मिलाते हैं तो उसकी शक्ल किस तरह मुख्तलिफ हो जाती है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैंने बा और अलिफ को लिया तो ये पढ़ा गया बा। देखिए अलिफ भी है लेकिन बा की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं बा के ऊपर ज़बर है और खाली बा है तो ये हो गया बब। बा के नीचे जेर है और ये खाली बे है तो ये हो गया बिब। और ये बे के ऊपर पेश है और ये खाली बे है तो ये हो गया बुब। और इसी तरह आगे आप देख सकते हैं तो बा के ऊपर सबर है और ता खाली तो इसे पढ़ेंगे हम बत। और बा के नीचे जेर है और ता खाली तो इसे पढ़ेंगे बित। और बा के ऊपर पेश है और ता खाली है तो इसे पढ़ेंगे बुत। बा के ऊपर जबर है और ता खाली है तो इसे पढ़ेंगे बट। बिट बुट बस बिस बुस बज बिज बुज बच बिच बुच बह बिह बुह बख बिख बुख बद बिद बुद बड बिड बुड बज बिज बुज बर बिर बुर बड़ बिड बुड बज बिज बुज बस बस बिस बुस बश बिश बुश बस बिस बुस बज बिज बुज बत बित बुत बज बिज बुज बा बिय बु बग बिग बुग बफ बिफ बुफ बक बिक बुक बक बिक बुक बग बिग बुग बल बिल बुल बम बिम बुम बन बिन बुन बाह बिह बुह। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस अंदाज से आपको पढ़ के सिखाया। तो नाजरीन जब भी बा की आवाज़ बा किसी हर्फ से मिल जाता है उसके अंदर ज़म हो जाता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है और साथ ही साथ उसके दिखने का स्टाइल भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो आप सभी नाजरीन से यही गुजारिश है कि आप इसे अच्छे से बार बार पढ़ें ताकि आपके से अच्छे से जहन नशीन हो जाए। तो सभी नाजरीन से गुजारिश है कि इसे बार बार पढ़ें और लिख कर देखें, और लिखने के बाद आप इसका फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं ताकि हम चेक करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे उन सभी हजरात तक पहुंचाएं जो जिनके पास वक्त कम है और उन्हें उर्दू सीखना चाहते उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि उन तक पहुंच जाए और आपको भी इसमें कुछ अजर मिले। शुक्रिया जजाकल्ला।